मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वृक्षारोपण किया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के लोकतंत्र सम्मान दिवस पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश को तबाह बर्बाद करने वाली, भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाने वाली कमलनाथ सरकार को आज ही के दिन जनता ने हटाया था और नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ दो पौधे लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने एक पौधा विकास और जनता के कल्याण का लगाया है तो वहीं दूसरा उनकी स्मृति में लगाया है जिन्होंने पत्रिका राजस्थान की नींव रखी थी, जो पत्रकार ही नहीं समाजसेवी, कवि और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मध्य प्रदेश में भारी बारिश और ओलावृष्टि पर किसानों को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पूरे प्रदेश की समीक्षा की जा रही है, किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, जो निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं, पहला जो क्षति हुई है उसके राहत के लिए और दूसरा बीमा योजना की भी तैयारी की जाएगी। बिजली गिरने से जिन लोगों की जान गई है उनके परिजनों को 4 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भोपाल, जबलपुर, इंदौर में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं, इसीलिए हम सख्त कदम उठा रहे हैं। प्रत्येक रविवार लॉकडाउन रहेगा, शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरे तरीके से लॉकडाउन रहेगा। 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। जो मास्क नहीं लगा रहे हैं वो समाज और परिवार के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। सरकार को जनता के हित में सख्ती करना पड़ेगी। वैक्सीनेशन का काम बड़े जोरों से चल रहा है। उन्होंने कहा, बड़े आयोजन बड़े शहरों में नहीं होंगे। मैं बहुत गंभीरता के साथ ये कहना चाहता हूं, कोरोना बढ़ रहा है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर बड़ी संख्या में संक्रमित आ रहे हैं भाई और बहन, और इसलिए हमें कुछ सख्त कदम भी उठाने होंगे। और इसलिए रविवार के दिन, संडे के दिन, शनिवार की रात को 10 बजे से लेके सोमवार को सवेरे 6 बजे तक इन शहरों में लॉकडाउन रहेगा। बाकी जो प्रभावित शहर है उनमें रात को 10 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक दुकानें बंद रहेगी। 31 मार्च तक स्कूल और कॉलेज फिर से बंद करने का फैसला किया है। बाकी चीज़ों पर भी हम नज़र रखे हैं। अब अगर मास्क नहीं लगाएंगे, कल मैंने कहा है, मैं आज फिर दोहराना चाहता हूँ कि अगर आप मास्क नहीं लगाते तो आप केवल अपने लिए खतरा पैदा नहीं कर रहे, आप अपने परिवार के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं, आप अपनों के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं जिनसे आप मिलते हैं जुलते हैं, आप समाज के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। इसलिए मेरी अपील है, कोरोना का वायरस तो है, वो पूरी दुनिया में, और उससे बचने का सबसे प्रभावी उपाय मास्क है, और इसलिए मास्क लगाएं। मास्क नहीं लगाने पे जनता के हित में ही हमें सख्ती भी करनी पड़ेगी। और मैं फिर प्रदेश की जनता से अपील कर रहा हूं कि बिना जन सहयोग के कोरोना के संक्रमण को नहीं रोका जा सकता, इसलिए आपका सहयोग चाहिए। हम पूरी क्षमता से इसको रोकने का प्रयास करेंगे। हॉस्पिटल्स की भी स्थिति की समीक्षा मैं फिर कर रहा हूँ, बिस्तर और बाकी दिक्कतें ना आए इसका इंतजाम हम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन का अभियान पूरी ताकत से हम चलाएंगे। परसों हमने लगभग 1,97,000 टीके लगाए, अब 2 लाख के पार ले जाएंगे और धीरे धीरे क्षमता 5 लाख तक बढ़ाएंगे। एक तरफ वैक्सीनेशन का अभियान पूरी ताकत से चलेगा, पूरी गति से चलेगा, लेकिन दूसरी तरफ मास्क, डिस्टेंसिंग, बड़े आयोजन अब इन शहरों में तो होंगे ही नहीं, बिना अनुमति के भी नहीं होंगे। और मैंने ये भी कहा कि मेले और भीड़ भाड़ वाले स्थान देखो, अब कोरोना को देखते हुए हमको उनको भी नियंत्रित करना पड़ेगा। जो जरूरी सारे कदम उठाएं, यहाँ आने के पहले सारे अधिकारियों के साथ सबको निर्देश दिया है, अमला फील्ड पे है, जो क्षति होगी उसका आकलन कर रहे हैं, और किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोनों निर्देश हमने दिए, राहत
जहाँ क्षति हुई है वहाँ, और दूसरे फसल बीमा योजना के लिए भी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करके उसकी तैयारी भी हम करेंगे। बिजली गिरने से 7 लोगों की जान पिछले दिनों गई है, 4-4 लाख रुपए की राशि उनके परिजनों को हम दे रहे हैं। कहीं पशु हानि अगर हुई है तो उसमें भी हम राहत देंगे, किसान के साथ सरकार खड़ी है। आज 1 साल बीत चुका है जिस सरकार ने मध्य प्रदेश को अपना व्यापार का अड्डा बनाया था, जिस सरकार ने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया था, उस सरकार को उखाड़ के फेंकने के बाद एक जन कल्याण वाली सरकार आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में केवल स्थापित नहीं हुई, लेकिन 1 साल के कार्यकाल में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में इस सरकार ने 7 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता की सेवा में केवल हर संभव प्रयास नहीं लेकिन नए कीर्तिमान स्थापित किए। कोरोना काल में भी जन कल्याण की योजनाएं, चाहे किसानों की हम बात करें, चाहे हम संबल की बात करें, चाहे हमारे गरीबों की हम बात करें, जिस पार्टी और जिस दल और जिस कार्यकर्ता और जिस नेता का लक्ष्य अंत्योदय होता है, उस रास्ते पर मध्य प्रदेश को चलाने का संकल्प हम सब लोगों ने संयुक्त रूप से लिया है। लाइफ इज अबाउट टू चेंज है। नो मोर 8 घंटे की नींद, नो मोर लेट नाइट मूवीज, नो मोर पार्टीज विद फ्रेंड्स। बिल्कुल सही कहा तुमने। इसके फ्यूचर के लिए अब नो मोर हॉलीडेज, नो मोर शॉपिंग और नो मोर फिजूल का खर्च। लेकिन अगर इसका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर्ड हो तो रियली डैडी बने हो, देवदास नहीं, जीना छोड़ दूंगा, हॉलीडेज छोड़ दूंगा। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। क्यूट वाले मेहमान से पहले LIC। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। लाइफ के टेढ़े मेढ़े रोड पे होंगी चुनौतियाँ हर एक मोड़ पे, बट हमने कभी ना फिकर की, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC। घर हो अपना, फॉरेन की डिग्री और छुट्टी विद जिगरी है, मेरे ड्रीम्स न जाने कितने 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 कितने, पर हमने कभी ना फिकर की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC।